अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है सेफेस्ट 400 mg टैबलेट है, जिसमें सेफा एग्जाम शामिल है। आज मुकम्मल तौर पर सेफा एग्जाम के बारे में रिव्यू करूँगा और बताऊँगा डिटेल से सेफा एग्जाम के बारे में, इसके क्या क्या यूजेज हैं, ये किस तरह वर्क करता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और ये जो है डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस क्यों होती है। हर जो बैक्टीरियन इन्फेक्शन में जो है डॉक्टर सबसे पहले अपने पेशेंट को सेफा एग्जाम जो है यूज़ करवाने की कोशिश क्यों करते हैं। तो मुकम्मल जो है तौर पे हम सेफा एग्जाम के बारे में जानेंगे, आपके सारे डाउट जो है क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। सेफेस 400 mg टैबलेट, जिसमें सेफा एग्जाम शामिल है। तो सेफा एग्जाम एक एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। इसमें जो है एंटी जो है बैक्टीरियल ड्रग है, ये एक सेफलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। सेफलोस्पोरिन ग्रुप में जो है बहुत से एंटीबायोटिक्स आते हैं, सेफ्टाजिडाइम, सेफ्टोट्रेक्सिम, सेफ्टोडोक्सिम वगैरह, ये कुछ जो है इसके जो है थर्ड जो है इसमें सेफलोस्पोरिन जो है ग्रुप में आते हैं। सेफलोस्पोरिन ग्रुप ये इसकी थर्ड जनरेशन का ये एंटीबायोटिक है। ये थर्ड जनरेशन का जो है सेफेग्जाम जो है थर्ड जनरेशन का एक एंटीबायोटिक है, जो कि जो है बहुत ही यूज़फुल जो है ड्रग है। तो हम इसके यूजेस जान लेते हैं। तो ये टाइफाइड जो है उसमें भी यूज़ करवाया जाता है, नमूनिया के अंदर भी यूज़ करवाया जाता है, उसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में भी यूज़ करवाया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ करवाया जाता है, जो कान के अंदर रेशा वगैरह बन जाता है उसमें भी ये यूज़ करवाया जाता है, उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये यूज़ करवाया जाता है। इसके बहुत से यूजेस हैं, जिसमें जो है ब्रोंचाइटिस उसमें भी यूज़ करवाया जाता है, जिसमें गले में स्वेलिंग या खांसी वगैरह होती है तो उसमें भी ये काफ़ी कारामद है। उसके अलावा तो फ्रेंड ये है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है उसमें भी यूज़ करवाया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में भी जो है इसका काफ़ी रिजल्ट देखा गया है। तो फ्रेंड इसके जो है यूजेस, ये इसके जो है कॉमन कुछ यूजेस हैं। आप जो है ये हर तरह के, आप बेसिकली ये बात समझ लें कि हर तरह के इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा हो तो ये थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक सेफेग्जाम यूज़ करवाया जाता है। ये इसकी जो है काम करने की जो एक इसकी कैपेसिटी है बाकी ड्रग से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और कारामद है। तो हमने इसके यूजेज जान लिए, तो अब इसके हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो फ्रेंड ये सेफेग्जाम जो ड्रग है ये हमारे जो है जो जिस्म में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया होता है, तो फ्रेंड जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ उसको बिल्कुल रोक देता है, उसे बंद कर देता है, जिस वजह से बैक्टीरिया अपने जैसे और बैक्टीरिया नहीं बना पाते और बैक्टीरिया जो है उसी वक्त ख़त्म हो जाता है या कुछ देर बाद जो है इस मेडिसिन का रेगुलर बेस पर यूज़ करने से उस जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने की वजह से वो जिस्म से ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड डॉक्टर की जो फर्स्ट चॉइस इसलिए होती है क्योंकि इसके जो मैं साइड इफेक्ट बताने लगा हूँ वो बहुत कॉमन है, वो बहुत जो है रेयर नहीं है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, जिस वजह से जो है डॉक्टर ये अपने पेशेंट को जो है यूज़ करवाते हैं। नोज़िया, वोमिटिंग और जो है इसके इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, उसके अलावा स्किन पर जो है रैशेज निकल सकते हैं, जो है इचिंग हो सकती है और जो है हमें जो है हमारे जो ज़ुबान उस पर छोटे छोटे जो है पिंपल्स निकल सकते हैं, ये कुछ इसके जो है मतलब इसके साइड इफेक्ट हैं। तो साइड इफेक्ट इसके जो है रेयर नहीं है, बहुत कॉमन है, इसलिए ये ड्रग सेफ है। तो फ्रेंड प्रेगनेंसी में भी इसका जो है यूज़ करवाया जाता है, प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग सेफ है, तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा खतरा नहीं, बच्चों और बड़ों में यकसा मुफीद है। इसलिए फ्रेंड इसका जो है डॉक्टर कसरत से यूज़ करवाते हैं ताकि हर इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए और जो पेशेंट है उसे ज़्यादा साइड इफेक्ट ना देखने पड़े। तो फ्रेंड ये इसके यूजेस और साइड इफेक्ट थे और मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो डोज जो है 8 mg पर केजी के हिसाब से इसकी डोज जो है डॉक्टर एडजस्ट करते हैं, यानी कि अगर एक 8 mg और 50 किलो का एक जो है पेशेंट है तो 8 mg से आप उसे जो है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 mg की ये आपके पास निकल आएगी, यानी 400 mg आप उसे यूज़ करवाएंगे। तो फ्रेंड आप सुबह शाम 200 mg भी यूज़ करवा सकते हैं, अगर ज़्यादा मसला है तो 400 mg अडल्ट पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। बच्चों के लिए सेफेग्जाम में सिरप आता है जो कि मैंने आपको बताया, सेफिगेट, कैरिसेफ वगैरह, या आपके जो है जिस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग सेफेग्जाम में जो है बहुत से जो है सिरप आते हैं तो आप उसमें से ले सकते हैं, बस शर्त यह है उसमें सेफेग्जाम ही होना चाहिए। तो फ्रेंड इसकी मैंने आपको डोज भी बता दी और इसके यूजेज भी बता दिए। तो फ्रेंड जो ये जो है एंटीबायोटिक काफ़ी सेफ़ है, इसलिए डॉक्टर की ये फर्स्ट चॉइस होती है।
इसलिए फ्रेंड्स ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ करवाया जाता है। लेकिन आप एक दफ़ा अगर प्रेगनेंसी जो है मतलब 8वें 9वें महीने में पहुंची हुई है तो उसमें कोई मसला ज़्यादा शदीद है तो आप एक दफ़ा अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जो है रबता कर लें और उसके बाद इसका जो है इसका यूज़ जो करें। इसीलिए जो है फ्रेंड्स इस ड्रग को काफ़ी सेफ तरीके से बनाया जाता है। तो इसकी 5 जो है कैप्सूल की प्राइस 380 रुपये है, लेकिन जो है इसकी प्राइस कंपनी और ब्रांड नेम के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, यानी कि 100 रुपये या 50 रुपये ज़्यादा या कम हो सकती है ब्रांड नेम के हिसाब से। तो फ्रेंड इसीलिए जो है ये जो टैबलेट है काफ़ी महंगी होती है, यानी 45 या 50 रुपये का एक कैप्सूल ये मिलता है। इस वजह से ये इसीलिए महंगी होती है क्योंकि ये ड्रग सेफ़ है। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक था सेफिक्सिम के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसके लिए जो मेरे मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल हब को सब्सक्राइब कर लें और ताकि इस मालूमती वीडियो का वास्ता आपसे पड़ा रहे। तो फ्रेंड आज का बस ये टॉपिक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।